food in this country. So, good morning everyone. हम लोग आज का इस क्लास को शुरू करते हैं. आज के हम लोग फॉर्मेटिव स्टेज देख रहे थे रिपोर्टरी का, कैसे शुरुआत हुआ था. और फिर हम लोगों ने इसमें बॉनिगेशंस की भी चर्चा हम लोगों ने की थी फॉर्मेटिव स्टेज में. आज हम लोग एक बॉनिगेशंस के द्वारा बहुत महत्वपूर्ण शब्द सुनते हैं, देखते चले आए हैं, वह कॉन्कॉर्डेंस है. और इस कॉन्कॉर्डेंस का प्रयोग हम लोग रिपोर्ट्री में भी करते हैं, मेट्रिया मेडिका में भी है. और कई मेट्रिया मेडिका का नामकरण भी आपको कॉन्कॉर्डेंस मेट्रिया मेडिका या कॉन्कॉर्डेंस रिपोर्ट्री करके बना हुआ है. और अक्सर लोग इसके लिए काफ़ी समझ सोचने का प्रयास करते हैं कि यह क्या है. मैं आज आप लोगों को इस कॉन्कॉर्डेंस को समझाने का प्रयास करूंगा, जो मैंने समझा है. और यह एक उपयोगी टर्म होगा, क्योंकि होम्योपैथी का जो आधार है, हम लोगों का जो सिम्टम्स का रिलेशनशिप है, एक दूसरे से टोटैलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पर यह शब्द जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है. कॉन्कॉर्डेंस शब्द टोटैलिटी के कॉन्सेप्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह वास्तव में कॉन्कॉर्डेंस एक दूसरे से एक लय, एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के संबंध में यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता है. कॉन्कॉर्डेंस को हम लोग कहते हैं स्टेट इसका, इन विच थिंग्स एग्री एंड डू नॉट कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर, है ना. कॉन्कॉर्डेंस को कहते हैं कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ कि सभी एक दूसरे से मेल खाते हैं और दो उन लोगों के बीच में कोई विरोधाभास नहीं होता है, उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कोई विरोध नहीं होता है, यानी कि एक दूसरे से मेल खाते हैं, उसको कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं. जैसे आप लाल रंग का कपड़ा पहनते हैं, तो लाल रंग के कपड़े के साथ में जो कलर मैच करता है वह कपड़ा उसका कॉन्कॉर्डेंस कपड़ा कहलाएगा, ठीक है ना. आप किसी से मित्रता होती है दो स्टूडेंट्स का, और उनके विचारधारा जब आपस में मिलते हैं तो उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा नहीं होता है. लेकिन जैसे ही कोई पॉइंट ऐसा आता है जिस पर कि विरोध होता है, तो वहाँ पर झगड़ा होता है, तो जो झगड़ा होने का जो पॉइंट है वहाँ कहते हैं कि कॉन्कॉर्डेंस खत्म हो गया. और जहाँ मिलाप का पॉइंट होता है, जहाँ हम लोग एग्री करते हैं, उसको हम लोग कॉन्कॉर्डेंस के रूप में समझ सकते हैं. ये मैं बताने का कोशिश किया हूँ. कॉन्कॉर्डेंस को डिक्शनरी में जो कहा जाता है, डिक्शनरी शब्द में हारमोनी, हारमोनी का मतलब होता है कि एक लय में, स्टेट ऑफ बींग सिमिलर और टू कंसिस्टेंट विथ समथिंग एल्स, उससे मिलता जुलता, उसके एक साथ उसको रहने में आपस में कोई भी तनाव नहीं होता है, एक सहज भाव महसूस होता है, उसको कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं, हारमोनी कहते हैं, है ना, एक धारा में, एक धारा में, ठीक है. यह एक कॉन्कॉर्डेंस का अर्थ हुआ. इसे हम लोग दूसरी भाषा में ये कहते हैं कि शेयर्ड आइडेंटिटी. शेयर्ड आइडेंटिटी का मतलब हो गया कि पहचान, इससे उसकी पहचान मिलती है, है ना. लक्षणों में आप देखिए कि लक्षणों में भी आप इसको शेयर्ड आइडेंटिटी देख सकते हैं. पेट का दर्द है और वह ठंडा से अच्छा लगता है, पैर का दर्द है वह भी ठंडा से अच्छा लगता है. तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी जो पहचान से ठंडा लगना जो है सो इस रोगी का एक पहचान बन जाता है, है ना. ठंडा लगना जो है सो एक पहचान बन जाता है, और उसका इसलिए कहते हैं कि उसको शेयर्ड आइडेंटिटी, जो पहचान बनने वाला बात होता है उसको हम लोग शेयर्ड आइडेंटिटी कहते हैं. और यह कॉन्कॉर्डेंस का के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं, ठीक है ना. अप्रोच टू प्रिस्क्राइबिंग एंड मेडिसिन एंड केस टेकिंग, है ना.
हम लोग के प्रिस्क्राइबिंग में दवा को चुनाव करने के लिए और केस टेकिंग करने के लिए दोनों में हम लोगों का एक बात तो निश्चित होता है कि हम एक ऐसा दवा की खोज करें जो रोगी का एक जो आप अंगूठा का निशान देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पर इसलिए डाला हूँ अंगूठा का निशान, इस अंगूठा के निशान के जैसा हो इसका डुप्लीकेट सेम चीज दिखलाई पड़े। तो कहते हैं कि जब रोगी का कॉन्कॉर्डेंस, रोगी के लक्षणों का कॉन्कॉर्डेंस एक थंब इम्प्रेशन के बराबर हो जाता है दवा के साथ में, तो उसे कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। रोगी और दवा के बीच में एक कॉन्कॉर्डेंस इस्टेब्लिश हो जाता है जिससे कि वह दवा काम करता है। दूसरी भाषा में जो हम लोगों ने सिमिलिमम शब्द का इस्तेमाल किया है, यह सिमिलिमम शब्द भी आपको कॉन्कॉर्डेंस पर ही आधार होता है। सिमिलिमम शब्द भी आपको कॉन्कॉर्डेंस शब्द पर ही आधार होता है और यह रिलेशनशिप के लिए एक प्रमुख स्थान है। कॉन्कॉर्डेंस को एक बहुत समय तक इसको व्यवहार किया जाता है और विभिन्न थेरापी में दवा के लिए और इसके अलावा हम लोग किसी चीज को विस्तार से व्याख्या करते हैं तो हम लोग कॉन्कॉर्डेंस के आधार पर, आप एक बात यहाँ बोल रहे हैं दूसरा बात दूसरा बोलिएगा तो किसी को कोई समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप एक लय में बोलते हैं तो एक समझ में आता है, यानी कि एक लय एस्टैब्लिश करने की बात होती है। तो कॉन्कॉर्डेंस इज लाइक ए म्यूजिक, है ना, जब आप संगीत में गाते हैं तो एक शब्द दूसरे शब्द के साथ में जुड़ता चला जाता है और आगे आपका बात विस्तार होता चला जाता है, लोगों को समझ में आने लगता है, ये प्रिस्क्राइबिंग कम्युनिकेशंस प्रोसेस करता है, है ना, इसी को हम लोग प्रिस्क्राइबिंग के लिए कम्युनिकेशंस प्रोसेस है आपके होम्योपैथी के लिए। कॉन्कॉर्डेंस के अंदर में जो बातें आती हैं उसमें कई एक शब्द है, एक कस्टमरी, कस्टमर माने एक दूसरे के साथ में लेन देन, है ना, लेन देन, और लेन देन के लिए क्या जरूरत होता है, ट्रस्ट, विश्वास, लॉयलिटी, एक दूसरे के प्रति आस्था, और तीसरा बात होता है कॉन्फिडेंस। कस्टमर, ट्रस्ट, लॉयलिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये ट्रस्ट, लॉयलिटी और कॉन्फिडेंस अगर होगा तो कॉन्कॉर्डेंस बनेगा। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप में आस्था नहीं है और आप में अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं है तो यह कॉन्कॉर्डेंस नहीं बन सकता है। कॉन्कॉर्डेंस बिल्कुल एक विश्वास की बात होती है, ट्रस्ट की बात होती है, और यह ट्रस्ट आता कहाँ से है, आता है लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से। कॉन्फिडेंस जो है सो लॉजिक का एक एस्पेक्ट है जहां आप किसी बात को आसानी से समझ सकते हैं। क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लैरिटी मतलब कि स्पष्टता और विश्वास। द टर्म कॉन्फिडेंस अटेम्प्ट्स टू रिकॉन्सेप्चुलाइज द प्रॉब्लम ऑफ कंप्लायंस, है ना, किसी बात को संपन्न कर पाना किस बात पर निर्भर करता है, सारे कंडीशंस एक साथ में मिल जाएं, सारे सिचुएशंस एक जैसा मिल जाएं, तो आपका समस्या समाधान हो जाएगा। तो उसी तरह से रोगी में अगर सारे लक्षण एक साथ मिलकर के जो दवा आपको निर्धारित कर देगा वह टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स कहलाएगा, और यह टोटैलिटी ऑफ सिम्टम्स का आधार जो है सो कॉन्कॉर्डेंस है, एक लय में टोटैलिटी सिम्टम्स। ऐसा नहीं कि आप अनाप शनाप सिम्टम्स को भर दिए और टोटैलिटी जो पेशेंट बोला सब इकट्ठा करके, इसीलिए जब हम लोग कॉन्कॉर्डेंस टोटैलिटी बनाते हैं तो हम लोग उसके अंदर में चुनाव करते इवैल्यूएट करते हैं कि कौन सा लक्षण को लिया जाए कौन सा लक्षण को नहीं लिया जाए। तो मेल खाने वाले रोगी के साथ में, रोगी के जीवन से, उसके रोग अवस्था के से क्या जीवन, जीवन दो तरह का है रोगी का, एक अवस्था पूर्व का है पहले का जब वह बीमार नहीं था, और आज का अवस्था क्या है, वह बीमार है, तो इस बीमार की अवस्था में उसके जो स्थिति बनी हुई है, लय बना हुआ है, जो हार्मोनी है वही हार्मोनी, वो तो डिस्टर्ब हार्मोनी है, डिजीज हार्मोनी है,
इस डिजीज हारमोनी का जो टोटैलिटी होगा उसको हम लोग कॉन्कॉर्डेंस टोटैलिटी कहते हैं, है ना। और हमें दवा चुनाव करनी है कॉन्कॉर्डेंस टोटैलिटी पर, और कॉन्कॉर्डेंस टोटैलिटी अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होता है, ठीक है ना। कॉन्कॉर्डेंस रिलेट्स टू कनेक्टिविटी ऑफ थिंग्स विथ कोऑर्डिनेशन, जुड़ाव, कनेक्टिविटी विथ कोऑर्डिनेशन, है ना। ऐसे ही नहीं किसी को किसी चीज से जोड़ दीजिएगा तो उसको कॉन्कॉर्डेंस नहीं कहते हैं, है ना। उसके साथ में एक कॉन्कॉर्डेंस होगा, ठीक है ना, उसके साथ में एक आवश्यकता होगी, ठीक है, उसके साथ में एक जुड़ाव होगा, इसीलिए कहते हैं कनेक्ट कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय होगा, सामंजस्य होगा, उसको हम लोग कनेक्टिविटी विथ कॉन्कॉर्ड कोऑर्डिनेशन कहते हैं। रैशनल रिस्पॉन्स टू ए पर्सनल परसेप्शन ऑफ द इलनेस एंड द ट्रीटमेंट, क्या चाहिए हमको, औचित्य, रैशनल, है ना, उसके पीछे में एक सापेक्षता रिस्पॉन्स जो है वो आपको कॉन्फिडेंस का दायित्व बनता है, दायरा बनता है, ठीक है ना। एडहेरेंस एंड कंप्लायंस, इस कॉन्फिडेंस के लिए दो शब्द है, उसमें रहना और साथ में बने रहना, बी श्योर, है ना। कॉन्फिडेंस इज डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ द सेम फिनोमेना, है ना, एक ही चीज का दो रूप अगर दिखलाई पड़ता है, दोनों एक ही चीज है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ द सेम फेनोमेना, एक ही चीज के दो पार्ट को, प्लीज डोंट टॉक आपस में, और अपने को म्यूट रखिए, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूट इफ यू आर टॉकिंग योरसेल्फ। सो ये कॉन्कॉर्डेंस की बात आती है, ठीक है ना। आप ये ब्रिज देख रहे हैं ना, यह ब्रिज जो है इसी लाइक ए ब्रिज, एक पुल के जैसा होता है जो कनेक्टिविटी क्रिएट करता है टू मेंटेन ए कोऑर्डिनेशन एंड हारमोनी, है ना। कोऑर्डिनेशन और हारमोनी बनाए रखने के लिए यह एक पुल का काम करता है कॉन्कॉर्डेंस, जिससे कि आप एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंच रहे हैं। अगर मैं समझाने का कोशिश करूं अभी आपको, इसी बीच में मैं एनाटॉमी पढ़ाना शुरू कर दूं, इसी बीच में मैं फिजियोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूं, तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आपका दिमाग एक बार उड़ करके उधर जाएगा, एक बार दिमाग उड़ करके उधर जाएगा, कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोई बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए हम लोग जब एक लय में चलते हैं, धीरे 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 आगे प्रोग्रेस करते हैं, तो हम लोग आगे गाड़ी बढ़ती है। लेकिन अगर आपको कहीं जाना हो, कहीं जाना हो आपको, तो क्या करेंगे आप, आगे बढ़ेंगे, और आगे जाने के पहले बाद में एक बार दाएं मुड़ करके दूसरा रास्ता चले जाइए, एक बार दूसरा रास्ता चले जाइए, तो अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच सकते। तो उसका एक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता को अख्तियार करना पड़ेगा, उसी पुल को क्रॉस करना पड़ेगा, तो आप वहां पर पहुंच सकते हैं। यही रोगी के साथ में होता है, टोटैलिटी के साथ में होता है, सभी लक्षण को एक साथ में जोड़ने का, जिसका कि आपस में कोऑर्डिनेशन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। इट इज कम्युनिकेशन एंड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन मतलब संचार, एक दूसरे से जुड़ने वाला, एक दूसरे से बात करने वाला, और कनेक्टिविटी, उसमें एक संबंध होना चाहिए, ये दो बहुत शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज बाइबल, आपने देखा होगा बाइबल, और हम लोगों का गीता है, हम लोगों का रामायण है, इसमें आप कैसा वर्णन किया गया है, इसको कहते हैं बाइबल कॉन्कॉर्डेंस, बाइबल भी कॉन्कॉर्डेंस के आधार पर बना है। ये अल्फाबेटिकल लिस्टिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेज फाउंड इन द होली बाइबल एंड शोज वेयर द टर्म्स ऑकर थ्रू आउट द बुक, और बुक है, एक जगह पर एक शब्द देख लिए वह शब्द कहाँ कहाँ है, इसको बाइबल कॉन्कॉर्डेंस कहते हैं। फिर आप देखिए श्लोक बनते हैं, एफाइम बनते हैं, सभी में कॉन्कॉर्डेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉन्कॉर्डेंस हमारे व्यवहारिक जीवन का, हमारे किसी चीज़ को समझाने के लिए यह आवश्यकता होती है। जब हम किताब कोई पुस्तक पढ़ते हैं तो पुस्तक में एक विषय पर ही होता है, उसमें सारे सारे विषय को समावेश करने लगिएगा तो वह किताब नहीं रह जाता है, है ना, क्रॉस उसमें। और अगर करना होता है तो उसे हम लोग को क्रॉस रेफरेंस देना पड़ता है, अगर कहीं पर कोई बात बीच में उठ रही है जो कि अलग है तो वहां पर वर्णन नहीं करते हैं, उसको क्रॉस रेफरेंस देख देते हैं
कहते हैं कि इसके विषय में वहां पर जाकर के विशेष आप देखो, ठीक है ना। सो कॉन्कॉर्डेंस जो है सो एक कविता बन जाता है, एक पोएम बन जाता है, जहाँ की आप बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हैनीमैन। हैनीमैन ने भी इसका इस्तेमाल किया था अपने रेमेडी रिलेशनशिप में, दवाओं का एक दूसरे से संबंध जो है उसको हैनीमैन ने भी इस्तेमाल किया था। हैनीमैन पेरिस केस बुक सोच दैट, पेरिस का जो उनका केस बुक है, पेरिस में जो उनके पेशेंट को उन्होंने देखा था, वहाँ पर उन्होंने एक्यूट रिलेशनशिप, क्रॉनिक रिलेशनशिप की बात करी है, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि एक्वानाइट जो है सो सल्फर का एक्यूट है, और सल्फर क्रॉनिक है, एक्वानाइट एक्यूट है, बेलाडोना एक्यूट है, कैल्केरिया का क्रॉनिक है। तो ये क्या हुआ, बेलाडोना का एक स्टेज में कैल्केरिया का, उसी तरह के पेशेंट में दूसरे स्टेज में कैल्केरिया का, एक्वानाइट का एक स्टेज में, सल्फर का एक स्टेज में। तो ये कॉन्कॉर्डेंस की बात है, रिलेशनशिप की बात है, इसलिए मोटा मोटी हम लोग को ये समझना चाहिए यह रिलेशनशिप है। इवोल्यूशन ऑफ टर्मिनोलॉजी, इस शब्द का विकास कैसे हुआ, इस शब्द का विकास हुआ एंजिमा। एंजिमा सबसे पहले इसको कहते थे एंजिमा, एंजिमा का मतलब होता है कि एनर्जी। उसके बाद में कॉन्कॉर्डेंस वर्ड आया, इसी एंजिमा को बाद में कॉन्कॉर्डेंस करने लगे, और आज अभी वर्तमान में हम लोग कॉन्कॉर्डेंस वर्ड अभी बहुत सारे किताबों में आप नहीं देखिएगा। अब शब्द जो आ गया है वो रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, दवाओं का पारस्परिक संबंध। ये बड़ा सीधा लगता है ना, जब ये शब्द सुनते हैं समझने में कोई दिक्कत नहीं होती है हम लोग को, आसानी से हम लोग इस बात को समझ लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, डॉक्टर झार भी अपने एक्सपीरियंस को इसी तरह से लिस्ट किया था। डॉक्टर बॉनिगिसेंस को डर लग, शुरू में तो डरे थे, लेकिन डॉक्टर बॉनिगिसेंस ने कॉन्कॉर्डेंस की सबसे बड़ा प्रयास डॉक्टर बॉनिगिसेंस का रहा, और डॉक्टर बॉनिगिसेंस ने शुरू में कॉन्कॉर्डेंस वर्ड कहा, और बाद में उसी को उन्होंने अपने थेरापेटिक पॉकेट बुक्स में रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज, और बाद में चल करके ये रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज जो है सो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लोगों का बन गया। रिलेशनशिप रेमेडीज मीन्स सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बिटवीन द रेमेडी। अब कॉन्कॉर्डेंस में हम लोगों ने खाली सिमिलरिटी की बात करी, लेकिन अब रिलेशनशिप में हम लोग कहते हैं इसका कैसा रिलेशन है, अच्छा रिलेशनशिप है, खराब रिलेशनशिप, समान है, असमान है ना। तो ये रिलेशनशिप में अब दोनों दो तरफा व्यू हो गया है ना। कॉन्कॉर्डेंस में हम लोगों ने एक लय की बात करी थी, एक साथ सीधे में जाने की बात करी थी, लेकिन रिलेशनशिप जो है सो उसका अप्लाइड एस्पेक्ट है कॉन्कॉर्डेंस का, जहाँ हम लोग दो तरफ से तरीके से किसी चीज़ को देख सकते हैं, उसके अच्छाइयों को देख सकते हैं और बुराइयों को देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो कि यह ग्लास में आधा ग्लास से एक ग्लास में पानी है ना, जल रखा हुआ है ग्लास में और पूरा भरा हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कह सकते हैं। आधा ग्लास खाली है ना, ये नेगेटिव अप्रोच है, नहीं आधा ग्लास भरा हुआ है, ये पॉजिटिव अप्रोच है। कह तो रहे बात एक ही, लेकिन इसमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी इसमें प्रेजेंट करने का तरीका आ जाता है। ये रिलेशनशिप की बात होती है, आप कैसे पॉजिटिवली अगर सिमिलर सिम्टम्स को मैथी लेंगे तो आप और डिसिमिलर लेंगे तो दोनों का प्रभाव जो है सो अलग हो जाएगा। सिमिलरिटी कैन ऑकर्स एट जनरल लेवल, है ना, सिमिलरिटी जनरल लेवल पर हो सकता है या लोकल लेवल पर हो सकता है, लेकिन कहीं कहीं पर डिसिमिलरिटी भी होती है ना। कोई पेशेंट को सभी कुछ ठंडा से अच्छा लग रहा है, लेकिन एक जगह जो है सो गर्म से अच्छा ये लग रहा है। इसीलिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच टू कॉन्कॉर्डेंस है वह आपको रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज के माध्यम से हम लोग को समझ में आ जाता है। सो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप जो है डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी का मतलब होता है समानता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट, कॉन्कॉमिटेंट का मतलब समझते हैं एक ही जैसा लक्षण, एक लक्षण यहाँ पर है, दूसरे लक्षण दूसरे जगह पर है,
उसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन एक समय का रिलेशनशिप है, समय का रिलेशनशिप है। डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्कॉमिटेंट में दो लक्षणों के बीच में एक समय का रिलेशनशिप हुआ करता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ रेमेडी एंड कॉन्कॉर्डेंस, प्लीज डोंट स्पीक, प्लीज डोंट स्पीक। कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशनशिप रिक्वायर एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल, इसके लिए सिद्धांत की आवश्यकता होती है। प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन एंड इंडिविजुअलाइजेशन से एक सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी एक सिद्धांत है, और एनालिसिस एंड सिंथेसिस एक सिद्धांत है। तो रिलेशनशिप आप किस आधार पर कर रहे हो, जनरलाइजेशन के आधार पर, इंडिविजुअलाइजेशन के आधार पर, सिमिलरिटी के आधार पर, डिसिमिलरिटी के आधार पर, एनालिसिस के आधार पर, या सिंथेसिस के आधार पर। आज आपके पास में रिपर्टरी का तात्पर्य बदल रहा है, सिंथेसिस रिपर्टरी, सिंथेटिक रिपर्टरी, कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी से बदल करके हम लोग अब सिंथेसिस रिपर्टरी है। अब सिंथेसिस के माध्यम से हम लोग दवाओं का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉन्कॉर्डेंस रेमेडी कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पस एंड डिफरेंट क्लिनिकल सिचुएशन, कंप्लीमेंट्री, न्यूट्रल, इनेमिकल, है ना, इनेमिकल ये हो सकता है, कंप्लीमेंट्री है, फॉलोवेल है, ये सारे टर्म्स जो हैं सो आपको कॉन्कॉर्डेंस से ही उभर करके आए हैं। रिलेशनशिप रेमेडीज आर म्यूचुअल एंटीडोट्स, है ना, अगर रिलेटेड रेमेडी होते हैं एक दूसरे को एंटीडोट भी कर सकते हैं और एक दूसरे को सहयोग भी कर सकते हैं। एक्सपीरियंस शोज दैट रिलेटेड रेमेडी एक्ट फार मोर क्यूरेटिवली व्हेन एडमिनिस्टर्ड आफ्टर ईच अदर, है ना। देखा गया है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन आप देते हैं, एक दवा देने के बाद में दूसरी दवा बाद में जब देना होता है, और अगर उसके अंदर में एक कॉन्कॉर्डेंस व्यवस्था होता है, कॉम्प्लीमेंट्री व्यवस्था होता है, तो दवा बहुत अच्छा काम करता है। और ये आपको साइड इफेक्ट, वन साइडेड डिजीज में और जहाँ लक्षण कम है वहाँ पर इसका बहुत अच्छा से इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में देखा जाता है कि जो पहला लक्षण जो है सो बढ़ गया, एग्रेवेशन हुआ और उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, वैसे केसेस में हम लोगों को इस नियरेस्ट प्रिस्क्राइब मेडिसिन के माध्यम से हम लोग आते हैं। तो जब आप रिपर्टोरियल एनालिसिस करेंगे तो समय में कई एक दवा आपके सामने में आ जाते हैं और वहाँ पर आप कॉन्कॉर्डेंस को देख करके आप दवा का चुनाव कर सकते हैं। ईच रेमेडी पार्टेक्स टू सम एक्सटेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी अदर रेमेडी, हर एक दवा में एक दूसरे के साथ में कुछ ना कुछ संबंध है। जब आप पढ़ते हैं दवा को तो आप क्या देखते हैं, अरे इसका इसका लक्षण तो उससे मिलता है, इसका लक्षण उससे मिलता है, ये किसी का माइंड का सिम्टम्स मिलता है, किसी का बॉडी का सिम्टम्स मिलता है, किसी का एक सिम्टम्स मिलता है, ये बहुत जरूरी बात होती है। कॉमननेस अमंग रेमेडीज आर द डिफरेंट प्लेन ऑफ द डिफरेंट लाइफ, कोई दवा मेंटल स्टेट पर कॉमन है, सिमिलर है, कोई फिजिकल स्टेट पर सिमिलर है, इसलिए हर एक ऑर्गेन वाइज डॉक्टर बॉनिगेसेंस ने अपने थेरापेटिक पॉकेट बुक्स में एक दवा का किस ऑर्गेन पर किस दवा के साथ में संबंध है उसको बताने का कोशिश किया है। सो इसके साथ में यही हम लोगों का आज का कॉन्कॉर्डेंस का विषय हुआ और हम लोगों ने कॉन्कॉर्डेंस को समझने का प्रयास किया है और मैं इसके लिए आपको कॉन्कॉर्डेंस रिपर्टरी भी बने हैं। अब आगे चल करके जब यह शब्द आएगा तो उस समय में और भी आप विस्तार से इस चीज़ को देख पाएंगे। तो इसके साथ में ये जो आज का हम लोगों का जो लेक्चर है यहाँ पर समाप्त करते हैं, इसको शेयरिंग भी क्लोज करते हैं।